हमारे हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। इनमें शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद का सार भी बताया गया है। शिव पुराण में 5 ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड भुगतता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को ऐसे पाप भूल से भी नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान शिव की आपके ऊपर कभी कृपा नहीं होती और यही वजह है कि लोग अनजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कलयुग में धर्म का केवल एक चतुर्थ स्थान ही शेष बचा है, इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है। लेकिन अगर आप भगवान में आस्था रखकर धर्म के पद पर पूरी निष्ठा से चलते हैं तो निराकार ईश्वर को आप जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। पाप रहित मनुष्य बनना बड़ा ही सरल काम है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपसे अनजाने में भी कोई पाप नहीं होगा और ईश्वर की सहज कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपसे अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं जो उन पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसलिए आपको इन पापों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज हम आपको ऐसे 5 पाप बताएंगे जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए हैं। शिव जी के अनुसार कलयुगी मनुष्य जाने अनजाने में ही ऐसे पाप करता है, वो मेरी कृपा को नहीं पा सकता। जो भी व्यक्ति इन पापों को नहीं करता उस पर शिव जी की कृपा बरसती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो पाप। सबसे पहला पाप है मानसिक पाप। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करता है। मानसिक पाप वो होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार लाते हैं, जो किसी स्त्री के बारे में हो या फिर या किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति को देखकर हो या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों ना हो, मन में उसके प्रति बुरे विचार लाता है अथवा किसी दूसरे का अहित हो, ऐसी मन ही मन कामना करता है या फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी के साथ बुरा हो जाए, तो यह बहुत बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य के मन में भगवान का निवास होता है, अतः मन में बुरे विचार लाते हैं तो ये उस भगवान का अपमान माना जाता है। दूसरा पाप है वाचिक पाप। शिव पुराण के अनुसार मुख से दूसरों को बुरा कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ा पाप होता है, इसे वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव मुख से सत्य भाषा बोलनी चाहिए और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मुख से झूठ बोलते हैं तथा कटु शब्दों में किसी का अपमान करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा गरीब रहते हैं। तीसरा है शारीरिक पाप। शिव पुराण में प्रकृति को ईश्वरीय रूप माना गया है, अतः अकारण ही प्रकृति को नुकसान पहुँचाना महापाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना, ये सब शारीरिक पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुचलना भी पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष अपने कदम भी रखता है तो धरती माँ से क्षमा मांगता है और उसके आचरण से किसी भी प्राणी को कोई भी कष्ट नहीं होता। चौथा पाप है निंदा करना। शिव पुराण के अनुसार कलयुग के सबसे भयंकर पापों में से एक है निंदा करना। मनुष्य को भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पूर्व यह अवश्य एक बार सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति निंदा का पात्र है या नहीं। बड़े बुजुर्ग, गुरु एवं माता पिता की निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, अतः भूल से भी किसी की निंदा ना करें। पांचवा पाप है गलत लोगों के संपर्क में आना। शिव जी के अनुसार चोरी करने, हत्या करना महापाप है। साथ ही इन लोगों के संपर्क में आना, इन लोगों को शरण देना अथवा इनकी किसी कार्य में सहायता करना, ये सब पाप है। अतः एक सभ्य मनुष्य को इन लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पाप जो किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में होते हैं, इसलिए ऐसे पाप होने से बचें।